जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले आप सबको नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी भगवान जी के श्री राधा कृष्ण जी के श्री चरणों में ये प्रार्थना है कि वो सदा आप सबको अपनी भक्ति का दान दें, आप सबको अपनी भक्ति में लगाएं और आप सबके परिवार में सुख संपत्ति और आनंद की सदा अमृत वर्षा भगवान करते रहें। यह हमारी भगवान से आज नववर्ष के दिन प्रार्थना है। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय की कथा। इससे पहले की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद जी को भगवान के 24 अवतारों की लीलाओं का उल्लेख किया था। तो अब 8वां अध्याय, इस अध्याय का नाम है राजा परीक्षित के विविध प्रश्न। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। महाराज परीक्षित ने अपने हृदय में सोचा कि श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान श्री नारायण जी की कथा सुनना चारों वर्णों के लिए बराबर बताया है। इन्होंने मुझे भी इन चारों वर्णों की सेवा में ही समझ लिया है, इसलिए मुझे अपनी शंका दूर करने के लिए उन पिछले राजाओं की कथा के संबंध में कुछ पूछना चाहिए जिन्होंने भगवान श्री नारायण जी के स्मरण और भजन में अपना देह छोड़ दिया था। ऐसा सोचकर राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कहा कि हे भगवान, आप वेद वेताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जब ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आदेश दिया, तब उन्होंने किन किन को किस रूप में उपदेश किया? एक तो अचिंत शक्तियों के आर्ष भगवान की कथाएं ही लोगों का मंगल करने वाली हैं। दूसरे, देवऋषि नारद का सबको भगवत दर्शन कराने का स्वभाव है, अवश्य ही आप उनकी बातें मुझे सुनाइए। हे महाभाग्यवान श्री सुखदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए कि मैं आसक्ति रहित मन को सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण जी में लगाकर अपना ये शरीर छोड़ दूं, क्योंकि मुझे 7 दिन का समय मिला है। इन 7 दिनों में मेरा मन भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में पूरी तरह से लग जाना चाहिए। अगर मेरा मन भगवान के चरणों में नहीं लगेगा तो मेरा उद्धार नहीं हो सकेगा। हे प्रभु, अब मेरा उद्धार आपके ऊपर है, आप चाहेंगे तो मेरा उद्धार होगा। हे प्रभु, भगवान की जिन कथाओं को आपने मुझे सुनाया है, भगवान के अवतारों की इन कथाओं को सुनकर मेरा हृदय बहुत प्रसन्न हुआ है। अतः मेरी इच्छा है कि मैं परब्रह्म परमेश्वर श्री श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के अवतारों की लीला कथा के अलावा और कुछ भी कथा ना सुनूं, क्योंकि इस पवित्र कथा के श्रवण करने से मनुष्य का हृदय शुद्ध तथा निर्मल हो जाता है। इस कथा से मनुष्य के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मद आदि नष्ट हो जाते हैं। जैसे सांसारिक प्राणियों के घर में किसी राजा के आगमन से उसका घर शुद्ध तथा पवित्र हो जाता है, ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण की भगवान श्री कृष्ण जी की इस कथा को सुनने से मन पवित्र हो जाता है। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण और कथन करते हैं, उनके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। उनका मन भगवान में लग जाता है। भगवान की उन पर इतनी कृपा होती है कि उनको सब और वो उस कृष्ण कन्हैया लाल जी के दर्शन होते हैं। उन भगवान के चरणों में उनका मन लग जाता है। भगवान श्री कृष्ण कान के छिद्रों के द्वारा अपने भक्तों के भावमय हृदय कमल पर जाकर बैठ जाते हैं, और जो भक्त अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पण कर देता है, सदा उन प्रभु को याद करता है, उसके जीवन के सभी अंधकारों को प्रभु सदा प्रकाश में बदल देते हैं। जो प्रभु कृपा के भरोसे अपना सर्वस्व अपना संसार तक न्योछावर कर देता है, उसके ऊपर उन ठाकुर जी की कृपा होती है। हे श्री सुखदेव जी महाराज, आज मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछने लगा हूँ। उन प्रश्नों के उत्तर आप मेरे को देंगे तो मेरे ऊपर आपकी बड़ी कृपा होगी। हे भगवान, जीव का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी इसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है, तो क्या स्वभाव से ही ऐसा होता है, अथवा किसी कारणवश आप इस बात का मर्म पूर्ण रीति से जानते हैं? आपने ही बतलाया था कि भगवान की नाभि से वह कमल प्रकट हुआ जिसमें लोकों की रचना हुई। यह जीव अपने सीमित अवयवों से जैसे परिच्छिन्न है, वैसे ही आपने परमात्मा को भी सीमित अवयवों से ही परिच्छिन्न सा वर्णन किया।
जिनकी कृपा से सर्वभूत में ब्रह्मा जी प्राणियों की सृष्टि करते हैं, जिनके नाभि कमल से पैदा होने पर भी जिनकी कृपा से ही ये उनके रूप का दर्शन कर सके थे, वे संसार की स्थिति उत्पत्ति और प्रलय के हेतु सर्वांतरयामी और माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किसमें किस रूप से शयन करते हैं। हे प्रभु, आज आप मुझे सब तरह से भक्ति का ज्ञान दें, क्योंकि भक्ति के विषय में मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। मैंने सारा जीवन पाप कर्म ही किए हैं, लेकिन इन सात दिनों में आप मुझे ऐसा भक्ति का ज्ञान दें कि मेरा जीवन सफल हो जाए, मुझे दोबारा माँ के गर्भ में जाने का मौका ना मिले। इस बार तो जो पाप हो गया, अगली बार मैं कोई पाप नहीं करना चाहता। इसलिए आप मुझे ठाकुर जी की वह लीलाएं सुनाएं कि जिससे मेरा मन उन भगवान के चरणों में लग जाए और मैं सदा के लिए आवागमन से छुटकारा पा जाऊं। इस प्रकार आज श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी महाराज प्रभु के बारे में, उस भक्ति के बारे में, ज्ञान के बारे में अनेक तरह के प्रश्न कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज उन प्रश्नों को सुनकर अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनके मन में यह बात आ गई थी कि वास्तव में परीक्षित जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के ठाकुर जी के भक्त हैं, तभी तो उनका मन भगवान की लीलाओं को सुनने में लगा है। क्योंकि अगर वैसे साधारण मनुष्य को ये बता दिया जाए कि 7 दिनों में उसकी मृत्यु होने वाली है तो वह तो अनेक तरह की चिंताओं में पड़ जाएगा, लेकिन आज परीक्षित जी महाराज जी को कोई चिंता नहीं है। वो सब चिंताएं छोड़कर माँ गंगा जी के तट पर आज श्री सुखदेव जी के श्री चरणों में बैठे हैं और ठाकुर जी की लीलाओं को सुनना चाहते हैं। वास्तव में कथा सुनने का यही एक ढंग है कि जिन प्रभु की कथा को आप सुनना चाहते हैं, सबसे पहले उन प्रभु के लिए आपके मन में श्रद्धा भावना हो। कथा को ध्यान से वही भक्त सुनते हैं, वही मनुष्य कथा को ध्यान से सुनता है जिसका मन प्रभु में लीन होता है। जब कथा की आवश्यकता होती है उस समय कथा प्यारी लगती है, लेकिन जब कथा की आवश्यकता मनुष्य महसूस नहीं करता उस समय कथा प्यारी नहीं लगती। इसलिए सबसे पहले बताया गया है कि भगवान में मन अवश्य होना चाहिए। भगवान की कथा की आवश्यकता महसूस होगी तो ठाकुर जी की कथा सबसे प्यारी लगेगी। आज परीक्षित जी महाराज जी को ठाकुर जी की कथा की आवश्यकता है, क्योंकि 7 दिनों में उनका शरीर छूटने वाला है। ठीक ऐसे ही हम सब मनुष्यों को भी ठाकुर जी की कथा की आवश्यकता है, लेकिन हमें यह पता नहीं है कि कब हमारा शरीर छूट जाए। परीक्षित जी महाराज और हम सब में यह अंतर है कि उन महाराज को, परीक्षित जी महाराज को यह पता था कि 7 दिन में वो इस संसार से जाने वाले हैं, लेकिन हमें तो अपने अगले पल का भरोसा नहीं है। आज किसी मनुष्य को यह पता नहीं है कि कब उसकी अंतिम सांस निकल जाए। इसीलिए संत और शास्त्र सदा चिल्लाते हैं, बार बार कहते हैं कि प्रभु के चरण में मन लगा लो, प्रभु के भजन में मन लगा लो, भगवान की कथाओं को सुन सुनकर अपना जीवन पवित्र बना लो, ना जाने किस क्षण मौत का बुलावा आ जाए। जिस क्षण मृत्यु का बुलावा आता है मनुष्य उस समय कुछ नहीं कर सकता, उस समय तो मनुष्य को संसार से जाना ही पड़ता है। लेकिन जो ठाकुर जी के भक्त होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनको मृत्यु का भय नहीं सताता, उनको तो भगवान से प्रेम होता है। मनुष्य का जीवन हमें मिला ही इसीलिए है कि हम भगवान से प्रेम करें। जिसका भगवान से प्यार हो जाता है वह कहीं भी रहे उसको तो सदा भगवान की ही याद आती है, भगवान के लिए वो सब कार्य करता है। अगर वो घर में कुछ भी करता है तो भी भगवान की सेवा मान कर करता है। संत तो यहाँ तक कहते हैं कि जो भगवान का भक्त होगा अगर वो घर में झाड़ू भी लगाएगा तो उस समय भी वो उसका मन कृष्ण भगवान में लगा होगा। आगे श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में वो कथा आएगी कि जिसमें बताया गया है कि जो भगवान की प्यारी गोपियां थी वो सदा भगवान के गुणों का गान करती थी। वो सुबह उठकर जब आंगन लीपती थी, झाड़ू लगाती थी, रोते हुए बच्चों को लोरी सुनाती थी, उस समय भी वो भगवान कृष्ण जी की लीलाओं का गुणगान करती थी और भगवान में मन को लगाती थी। जीवन तो वही धन्य है कि हर क्षण ठाकुर जी की याद
आती रही, लेकिन आज कलयुग है। इस कलयुग में भी जो प्राणी चाहेगा कि मेरा भगवान में मन लगे तो भगवान उस पर कृपा करते हैं, लेकिन हम मनुष्यों की ये इच्छा नहीं होती कि हमारा मन भगवान में लगे। हम भगवान से तरह तरह की डिमांडे करते रहते हैं। सब अच्छी बात है, अगर मांगना है तो भगवान से ही मांगेंगे, इसमें कुछ बुरा नहीं है। लेकिन ध्यान इतना तो सदा रहे कि जिन भगवान ने हमें इस संसार में भेजा है, जिन भगवान की कृपा से हमें सब कुछ मिला है, उन भगवान को याद करना, उनकी भक्ति करना, उनसे प्रेम करना हमारा सबसे पहला धर्म है। जो उस धर्म का पालन करता है उसको भगवान जीवन में सब कुछ देते हैं। हम सोचते हैं, हम भगवान से मांगते हैं कि भगवान हमें धन दो, संपत्ति दो, हमारे दुख दूर करो। ऐसे ही कुछ 5-7 मनोकामनाएं लेकर हम भगवान के पास जाते रहते हैं, लेकिन भगवान के लिए ये मनोकामनाओं को पूरा करना छोटी सी बात है। हम उन भगवान को अगर प्रार्थना करें कि भगवान हमारे मन में ये कामना है, आप उसको पूर्ण करो, अगर आपको लगे कि ये इस कामना को पूर्ण करने से भक्त का भला होगा, मेरा भला होगा, तो हे प्रभु आप उस कामना को पूर्ण कर दो। ऐसे प्रभु से प्रार्थना की जाए तो बुरा नहीं है। भगवान भी देखते हैं कि मेरे भक्त के मन में कितना प्यार है, मेरे लिए कितना प्यार है। वो मुझे प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरी कामना को पूर्ण करो। लेकिन हम संसारी मनुष्य भगवान से यही कहते हैं कि हमारी इस कामना को आपको पूरा करना पड़ेगा, आप पूरी करो। लेकिन वो तो भगवान को ही पता है कि हमारी उस कामना को पूरा करने से हमारा वास्तव में भला है या नहीं है। लेकिन जो कामनाएं, जिन कामनाओं से हमारा भला होता हो, जिन कामनाओं को पूरा करने से हमारे जीवन में खुशियां आती हो, तो भगवान उन कामनाओं को अवश्य पूरा करते हैं। वास्तव में भगवान ये चाहते हैं कि मेरे भक्त का इस संसार सागर से छुटकारा हो जाए। भगवान के लक्ष्य में एक यही बात रहती है कि इस भक्त को दोबारा संसार में नहीं आने देना है। लेकिन हमारा मन होता है कामनाओं के ऊपर, हमारा ध्यान होता है कामनाओं के ऊपर, यहीं पर विरोधाभास होता है। भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त मेरे धाम में वापिस आ जाए, जहाँ से उसको दोबारा संसार सागर में ना आना पड़े। लेकिन हमारा जीवन सारा इसी तरह चलता है कि हम भगवान से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। हम कथा सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं, हम भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा व्रत नियम सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे मन में कामनाएं सदा बसी रहती हैं। इसलिए भगवान से पूरी तरह से प्यार नहीं हो पाता। और जब आहिस्ता आहिस्ता जब मनुष्य की कुछ कामनाएं पूरी होती हैं और कुछ कामनाएं अधूरी होती हैं, लेकिन भगवान की तरफ लगा रहता है अगर वह मनुष्य, तो भगवान की तरफ लगने से उसको एहसास हो जाता है। भगवान जी की कृपा से उसको उसके मन मंदिर में भगवान प्रेरणा कर देते हैं कि वास्तव में इन सांसारिक कामनाओं से उसका भला होने वाला नहीं है। ये कामनाएं अगर पूरी होती हैं तो भी उसको कुछ विशेष रूप से मिलने वाला नहीं है। जो कुछ भगवान ने अपने भक्तों को देना है वो तो बिना मांगे ही दे देते हैं। क्या मीरा ने कुछ अपने लिए मांगा था? लेकिन मीरा को भगवान ने सब कुछ दिया और उसके लिए दिया गया जहर भी भगवान ने अमृत के रूप में बदल डाला। भगवान से जो कुछ भक्त मांगते हैं भगवान देते हैं, अगर भक्त नहीं मांगते तो भी भगवान देते हैं। यह तो अपनी समझ की बात है कि जो भगवान अपने सभी भक्तों का कल्याण करते हैं वो अपने भक्तों को दुखी देख ही नहीं सकते। अगर हमारे जीवन में कोई दुख है तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन भगवान ये स्वयं जानते हैं और समय आने पर भगवान हमारा दुख दूर कर देते हैं। भगवान के हाथ में सब कुछ है, आप अपने श्री कृष्ण कन्हैया लाल पर विश्वास करके रहिए, भगवान सब कुछ दे देते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनकर थोड़ा सा हमें विचार करना चाहिए कि हम भगवान के पास किस लिए जाते हैं, हम भगवान के मंदिर में किस लिए जाते हैं। अगर हम इस समय कथा भी सुन रहे हैं तो हमारा विशेष रूप से लक्ष्य क्या है? क्या हम भगवान से कुछ मांग रखते हैं? क्या अपनी कोई मनोकामना हम पूरा करवाना चाहते हैं? हम भगवान से सब कुछ मांगते हैं, भगवान से अपने दुखों को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या हमने अपने जीवन में कभी एक बार भी सच्चे हृदय से उन भगवान श्री कृष्ण जी से कहा है कि हे प्रभु आप हमें अपना प्रेम दो, हमारा मन आपके चरणों में लगे, ताकि इस संसार के दुखों का हमें एहसास ही ना हो, हमें अपना प्रेम दो। जो भगवान के प्रेम को मांगता है उसको भगवान प्रेम दे देते हैं, लेकिन हम प्रेम मांगते नहीं हैं। हम तो भगवान से संसार की सुख संपत्ति और सब तरह के सुख साधन मांगते हैं। इसीलिए ही जो संसार की संपत्ति भगवान हमें दे भी देते हैं, लेकिन दुख तो फिर भी रहेंगे, क्योंकि संसार की सुख संपत्ति मिलने से दुख सदा के लिए दूर नहीं होते।
लेकिन जब भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है, भगवान अपना प्रेम हमें दान में दे देते हैं, तो भगवान हमें उस दुखों का एहसास होने ही नहीं देते जो हमारे जीवन में आते हैं। भगवान की कृपा शक्ति इतनी कारागार साबित होती है कि उसके सामने दुखों का कोई ठोर ठिकाना रहता ही नहीं है। दुखों में इतनी शक्ति है ही नहीं कि जितनी प्रभु की कृपा में शक्ति है। जो भगवान की कृपा के भरोसे अपना जीवन जीता है, उसके जीवन में जितने भी दुख आ जाएं, ठाकुर जी की कृपा से वो सब दुखों को सहन कर लेता है। भगवान उसके दुखों को पहाड़ जैसे राई पर ला देते हैं। पहाड़ जैसे दुखों को भगवान राई के दाने के समान छोटा बना देते हैं। इसलिए भगवान पर सदा विश्वास करके भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए। मनुष्य जीवन तो इसीलिए मिला है, लेकिन हम इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ के कामों में गंवा रहे हैं। भगवान कभी सांसारिक कार्य करने के लिए मना नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म तो तुम्हें करना पड़ेगा और तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय युद्ध करना ही तुम्हारा धर्म है। तो जो भगवान अर्जुन से युद्ध करवा लेते हैं, वो हमारे सांसारिक कार्य हमसे क्यों नहीं करवाएंगे? जो अर्जुन से युद्ध करवा लेते हैं, बड़े अच्छे ढंग से अर्जुन से युद्ध करवाते हैं और युद्ध में विजय भी दिलाते हैं, तो वो तो युद्ध था। लेकिन हम तो संसार में हैं, तो भगवान के ऊपर विश्वास होगा तो भगवान हमारे सारे संसारी कार्य अच्छे से करवाएंगे। लेकिन हमारा विशेष लक्ष्य ये होना चाहिए कि भगवान से हमारा प्यार हो, भगवान की याद हर पल बनी रहे। संसार के सुखों में आनंद नहीं है, सुख आते हैं लेकिन कुछ क्षण बाद ही दुख में बदल जाते हैं। संसार की कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है कि जिसे हम प्राप्त कर लें और हम सदा के लिए सुखी हो जाएं, आनंद में हम बहने लगे। लेकिन केवल एकमात्र प्रभु ही ऐसे हैं कि जिनकी तरफ जाकर सदा के लिए आनंद मिल जाता है। आपने संसार में कई बार देखा होगा, आपने अपने जीवन में भी देखा होगा कि आपकी कोई एक कामना पूरी होती है तो आपको लगता है कि आनंद आ गया, मेरे को बड़ी प्रसन्नता हुई। वास्तव में कामना पूरी होने से कभी खुशी नहीं होती, कामना को मन छोड़ देता है तब हमें खुशी होती है। इसको आप ऐसे समझिए कि मेरे मन में मान लो ये इच्छा हुई कि मेरे को कहीं से 1,00,000 रुपए मिल जाएं, तो मन उस चीज को पकड़ लेगा, 1,00,000 रुपए को मन पकड़ के रखेगा। लेकिन जैसे ही 1,00,000 रुपए मिल जाते हैं तो मन उस चीज को छोड़ देगा, क्योंकि वो चीज तो मिल गई। और जैसे ही कोई चीज मिलती है, मन उसको छोड़ देता है और हमें ये लगता है कि हमें उस कामना की पूर्ति से खुशी हुई है, आनंद मिला है। लेकिन वास्तव में मन जिस चीज को छोड़ देता है तो हमें सुख का अनुभव होता है, लेकिन मन कुछ क्षण बाद ही दूसरी किसी वस्तु को पकड़ लेता है, मन फिर दुखी हो जाता है। जब जब हमारा मन किसी वस्तु को पकड़ता है, किसी वस्तु को पाने के लिए उसकी तरफ लगता है, उसी समय हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब मन में किसी वस्तु की कामना नहीं होती, उस समय हमारा मन शांत हो जाता है। जैसे ही कोई वस्तु हमें मिलती है, मन चाही वस्तु मिलती है, तो मन उस वस्तु को अंदर से त्याग देता है और हमें शांति मिलती है। इसलिए इसका सीधा साधा अर्थ यही है कि मन में जब कामना ना हो तो आनंद मिलता है, मन में कोई कामना रहे ही ना तो आनंद ही आनंद है। जब हमारे मन में कोई कामना नहीं रहेगी, इस बात को आप सच्ची तरह से मान लो कि हमारे मन में कोई कामना नहीं रहेगी, तो हमारे जीवन में सदा के लिए सुख शांति आनंद आएंगे। जैसे ही हमारा मन किसी चीज को पाने के लिए उछल पड़ता है, उछल कूद करने लगता है, वैसे ही हमारी शांति खत्म हो जाती है। जब मन उस चीज को छोड़ देता है, शांति अपने आप आ जाती है। जो भगवान को नहीं मानते, जो भगवान की भक्ति नहीं करते, वो धन के पीछे, संसार के पीछे दौड़ते रहते हैं। लेकिन उनको संसार की सुख सुविधा मिल सकती है, लेकिन उनके जीवन में शांति कभी नहीं आएगी, क्योंकि शांति जब भी मिलेगी प्रभु चरणों में ही मिलेगी। कामनाओं को छोड़ने से ही शांति मिलती है, प्रभु के चरणों में जाकर ही शांति मिलती है। शांति किसी वस्तु में नहीं है, शांति है तो अपने हृदय में है। हमारे हृदय में ठाकुर जी का वास है। संसार की किसी स्थिति परिस्थिति में शांति हो ही नहीं सकती, क्योंकि शांति तो प्रभु चरणों में जाकर ही मिलती है। इसलिए शांति की तलाश में धनी लोग भी सदा घूमते रहते हैं। बड़े लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अन
जिन्हें तो पैसा होता है, बेहिसाब पैसा जिनके पास होता है, लेकिन वो शांति की तलाश में भटकते रहते हैं। लेकिन शांति मिले कैसे? वो तो प्रभु चरणों में मिलती है। जो प्रभु को याद करता है उसी को शांति मिलती है, उसी को वास्तविक सुख मिलता है, उसी को आनंद मिलता है। इसलिए उन श्याम प्रभु को, उन श्याम सुंदर सांवरे सलोने कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया को सदा याद करते रहो तो शांति तो प्रभु अपने आप देंगे। क्योंकि प्रभु को याद करने में जो आनंद मिलता है वो संसार की किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को याद करने में वो आनंद मिल ही नहीं सकता। अब इस अध्याय के बाद श्रीमद् भागवत महापुराण की विशेष कथा शुरू होने ही वाली है। आगे तो आनंद के वो क्षण आएंगे कि आप इस श्रीमद् भागवत कथा को सुने बिना आप रह ही नहीं सकेंगे। अगर इस समय तक आप इस कथा को श्रद्धा भावना से सुन रहे हैं तो आगे आपका मन और इस कथा में लगेगा, और जिसका मन इस कथा में लग गया उसको जो आनंद मिलेगा, आपको जो आनंद मिलेगा उसका आप वर्णन नहीं कर सकेंगे। आपके सारे सांसारिक कार्य भी इस कथा से सिद्ध होंगे। भगवान की कथा में इतनी शक्ति है कि आपके सभी सांसारिक कार्य भगवान सिद्ध कर सकते हैं। इस कथा में इतनी शक्ति है कि आपके सभी दुखों को भगवान दूर कर देंगे। कथा में आप श्रद्धा भावना रखें, इसको प्रतिदिन सुनते रहें, ये आपके संसार की सभी दुखों को दूर कर देगी और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देगी। इस कथा में इतनी शक्ति है, तभी तो भगवान कह गए हैं कि जो श्रीमद् भागवत महापुराण का सहारा लेगा, कलयुग में जो मनुष्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनेगा, उसी के जीवन में मैं सदा आनंद के क्षण, आनंद के वो पल बिखेरता जाऊंगा कि उसके जीवन में दुख का लेश मात्र भी शेष नहीं रहेगा। तो आज के इस अध्याय में राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से बड़े प्रश्न पूछे थे, जिसका उत्तर भगवान श्री सुखदेव जी महाराज अगले अध्याय में देंगे। तो आपसे निवेदन है कि इस कथा को आप पूरी श्रद्धा भावना से प्रतिदिन सुनते रहें, तो आपके जीवन में भगवान श्री कृष्ण ऐसे अमृत के क्षण लाएंगे कि आपको लगेगा कि वास्तव में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने से बड़ा कुछ मिला है। इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से बढ़कर हमारे हिंदू धर्म में कुछ बना ही नहीं है। जो इस कथा का सहारा लेता है उसके जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती, उसको जीवन में भगवान सब कुछ दे देते हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद के आठवें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। आप सबको एक बार फिर से नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नए साल में आपका पूरा परिवार भगवान की भक्ति में लगे, आपके जीवन में सुख शांति आनंद की भगवान अमृत वर्षा करें, यही मनोकामना है हमारी। तो आप सबने इस कथा को सुना, आपका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा सदा आप पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।